दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो हमें बता रहा होता है कि आज से 20 साल पहले उसने कैसे दिनों को जिया है। अब दोस्तों, उसने कैसे दिनों को जिया है, चलो कहानी से जुड़ते हैं। अब कहानी जाती है 20 साल पहले और आज दिन है 15 अक्टूबर 1972। हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जिनकी रग्बी टीम है और अब वो एक मैच खेलने के लिए चिली की ओर बढ़ रहे हैं और ये ऊंचे पहाड़ों से होते हुए अपनी मंजिल पर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है, पर तभी उन सबको प्लेन में झटके लगने लगते हैं। आगे बैठा पायलट अनाउंस करता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, असल में इनका प्लेन एक बहुत खतरनाक बर्फीले तूफान में फंस चुका है। कुछ ही देर बाद दोस्तों झटके तेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अब जिस बात का डर होता है वही बात हो जाती है। प्लेन एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, मतलब इस प्लेन के इंजन फेल हो जाते हैं और प्लेन सीधा आकर लगता है एक बर्फीले पहाड़ से, जिससे प्लेन का टेल पीछे पीछे गिर जाता है। अब जितने भी लोग पीछे होते हैं वो सब के सब पीछे ही गिर जाते हैं और उनकी तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जो लोग आगे की ओर बैठे होते हैं वो बच जाते हैं, पर आगे जाते ही प्लेन का आगे वाला हिस्सा सीधा जाकर लगता है पहाड़ पर, जिससे पूरा प्लेन सिमट जाता है और जितनी भी सीट्स होती हैं वो खिसकती हुई आगे आ जाती हैं, जिससे बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग जो होश में होते हैं वो देखते हैं कि उनके आगे पीछे सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और कुछ लोग तो ठंड की वजह से मारे जाते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो प्लेन के आगे वाले हिस्से की ओर जाते हैं और वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि एक पायलट अभी जिंदा है, इसलिए एंटिनो और कैनिसा नाम के दो लड़के उससे जाकर पूछते हैं कि रेडियो को कैसे ऑन करना है। पर अब उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो की बैटरी अब जा चुकी होती है। अब और कुछ नहीं, इनको अब रेस्क्यू प्लेन के आने का इंतजार करना होगा। इसी बीच इनको पता चलता है कि जो पायलट बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो भी मारा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अब यहाँ पर रात हो जाती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोग ज्यादा ठंड की वजह से मारे जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं क्योंकि हर कोई -20 डिग्री नहीं झेल सकता। एक दिन दोस्तों एक क्रू मेंबर उनको बताता है कि हम रेडियो सिस्टम से हेल्प मांग सकते हैं और अगर तुम लोगों ने इस प्लेन के टेल को ढूंढ लिया तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इस प्लेन के पिछले हिस्से में ही बैटरी रखी होती है और उस बैटरी से इस प्लेन का रेडियो सिस्टम चल जाएगा, जिससे ये किसी न किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। अब दोस्तों इनको इसी बात की फिक्र होती है कि प्लेन का टेल अब कहाँ होगा। अगले दिन ये जितनी भी लाशें होती हैं उसको बाहर जाकर दफनाते हैं क्योंकि उसमें से बदबू आना शुरू हो गई थी। इसी बीच इन सबको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। आसमान में ज्यादा धुंध होने के कारण इनको ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। अब इनको लगता है कि उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने इनको देख लिया होगा, पर दोस्तों उन लोगों ने इनको नहीं देखा होता और फिर ये सब जाकर सो जाते हैं। इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये कितने दिनों तक यहाँ पर फंसे रहेंगे। सबको लगता है कि इनको कोई बचाने आएगा। चलो अच्छा है, कम से कम इन्हें कोई उम्मीद तो है जो इन्हें जिंदा रख रही है। कुछ लोग साइड में बैठकर स्मोक कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास होता है कि रेस्क्यू वाले इन्हें जरूर बचाने आएंगे। इसी बीच प्लेन के अंदर नंदो नाम के आदमी को होश आता है और उसको वहां मौजूद लोग बताते हैं कि आपकी बहन बहुत जख्मी है और उसको तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये सुनकर वो सीधा भागकर जाता है अपनी बहन के पास और कहता है कि मेरी बहन तुम बिल्कुल मत डरो, गॉड हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें एक ही उम्मीद होती है कि कोई आ जाए उन्हें बचाने के लिए। अब अगला दिन चढ़ता है और ये सब के सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनको इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। ये लोग अपने ऊपर गुजरा हुआ एक प्लेन देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये प्लेन पक्का कल आएगा और इसी के चलते जितना भी खाना पड़ा होता है उसे ये खा लेते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कल इनको वो प्लेन रेस्क्यू करने आ जाएगा।
अब सुबह होती है और ये सब उस रेस्क्यू प्लेन का आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर बचाने को कोई भी नहीं आता। अब एंटोनियो सोकर उठता है तो वो खाना ढूंढने के लिए जाता है और जब उसको ये पता चलता है कि खाना तो बचा ही नहीं तो वो उन सब पर बहुत चिल्लाता है। इसी बीच ये तय करते हैं कि इनको किसी भी तरह से उस बैटरी को ढूंढना ही होगा जिससे इनके प्लेन का रेडियो सिस्टम चलेगा। अब तीन लोग निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए, पर एक आदमी तो खाई में गिरते गिरते बचता है क्योंकि उसकी बर्फ बहुत नरम होती है। फिर ये होते ही ये तय करते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे और आ जाता है वापस अपने प्लेन तक। उसी रात को नंदो की बहन की भी मृत्यु हो जाती है और नंदो कहता है कि आज की रात मैं अपनी बहन को गले लगाकर सोना चाहता हूँ। एक तरफ उसने अपनी माँ को खो दिया और दूसरी तरफ उसने अपनी बहन को। नंदो उन सबको कहता है कि कल हम मेरी बहन को दफना देंगे। अगले दिन इनको पता चलता है कि सरकार ने इनको ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम मारे गए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब नंदो उनको कहता है कि ऐसी हालत में अगर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हम मारे जाएंगे। फिर वो कहता है कि हमें बाहर दफनाई हुई लाशें खानी चाहिए जो हमारी कुछ भूख को तो मिटा देगी। पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लोग इसकी बात को इनकार कर देते हैं और चलते ही चलते इनको चार दिन बीत जाते हैं और इनमें से एक आदमी उस दफनाई हुई लाश को खाने लगता है तो इसको देखकर दूसरे लोग भी उसको खाने लगते हैं क्योंकि दोस्तों ये लोग इस काम के लिए मजबूर होते हैं। इन लोगों को ये लाश खाकर थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है और अगले दिन वही तीन लोग निकल पड़ते हैं प्लेन की बैटरी को ढूंढने। इनको नहीं पता कि बैटरी कहाँ है, पर चलते ही चलते इनको पूरा एक दिन बीत जाता है। वही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक आदमी नंदो से कहता है कि मुझे नहीं पता ये तीनों बच पाएंगे या नहीं क्योंकि इन्होंने बहुत कम कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो एक पहाड़ के सहारे बैठे होते हैं और उनके ऊपर बर्फ की परत जम चुकी होती है और फिर वो निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको कुछ पड़ा हुआ मिलता है जो प्लेन से नीचे गिर गया होता है और उसमें दोस्तों इनको कुछ लाशें भी देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों ये इस जगह से आगे नहीं जाते क्योंकि वो इनके लिए अच्छा नहीं है। फिर ये सब आ जाते हैं अपने प्लेन पर और उन सब से बैठकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ये अब पूरी प्लानिंग के साथ उसी जगह पर जाएंगे, अपने साथ कुछ खाने को और गर्म कपड़े पहनकर जाएंगे। अब हम ये देख पाते हैं कि वो सब एक साथ चिपक कर बैठ जाते हैं और अपने पास पड़े सभी सामानों को जलाते हैं और जब ये अपने पास पड़े सभी सामानों को जला लेते हैं तो इनके पास जितने भी पैसे होते हैं ये उनको भी जला देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनको एहसास होता है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज कीमती है तो वो है खुद की जान। अब दोस्तों रात हो जाती है और हम ये देख पाते हैं कि बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान आ जाता है और पिघली हुई बर्फ इनके प्लेन के अंदर घुस जाती है जिसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं और तो और कुछ लोगों की तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब अगले दिन ये प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर ये देखते हैं कि अभी भी बाहर तूफान चल रहा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि 8 लोग और मारे जाते हैं जिन्हें ये बाहर दफना देते हैं और जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उन्हें कैसे भी करके प्लेन की बैटरी को ढूंढना होगा तभी ये सब बच पाएंगे वरना ये भी मारे जाएंगे। इन सब को फंसे हुए यहाँ पर पूरे 50 दिन हो जाते हैं और ये बस बर्फ को पिघलाकर उसी का पानी पी रहे होते हैं और उन लाशों को खा रहे होते हैं। अब इनको पता चलता है कि विंटर के दिन खत्म होने वाले हैं और सर्दियों में दिन बड़े होते हैं जिससे ये लंबा सफर तय कर पाएंगे। अब एक बार फिर से तीन लोग निकल पड़ते हैं बैटरी को ढूंढने। वहाँ मौजूद लोग उनको कहते हैं कि अगर इस बार तुम्हें बैटरी ना मिले तो तुम वहाँ से आगे चले जाना, क्या पता आगे जाकर तुम्हें कोई मदद मिल जाए। अब वो तीनों चलते रहते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उनको प्लेन का वो पार्ट मिल जाता है जिसमें बैटरी रखी होती है। अब जल्दी ये बैटरी को उसमें से बाहर निकालते हैं जो कि बहुत ज्यादा भारी होती है और ये उसको अपने प्लेन तक नहीं ले जा सकते। अब ऐसे करते करते इनको वहां पर रात हो जाती है और वहीं पर नंदो उनको कहता है कि हमें आगे नहीं जाना
रहना चाहिए क्योंकि बर्फीला तूफान अब शुरू होने वाला है और अगर हम आगे गए तो मारे जाएंगे। अब एक को छोड़कर बाकी सब कहते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए, तो अब सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। इस सफर में इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अब ये चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन कैनेसा और एंटोनिया नंदू के पास आते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग आगे जाएंगे। और इसी बीच उनके पास कैलेटोस आता है और इनको बताता है कि मैंने कल सपने में देखा कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल चुकी है, जाओ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये निकल पड़ते हैं अपने अनजान सफर की ओर। कुछ दूरी पर चलने के बाद नंदो को 50 मील दूर कुछ नजर आता है तो वो बाकी लोगों को इसके बारे में बताता है। इतना सुनने के बाद एंटोनियो नीचे गिर जाता है और कहता है कि 50 मील दूर चलने के बाद हम वैसे भी ठंड और भूख के कारण मारे जाएंगे। तो नंदो कहता है कि जब हमने 60 से ज्यादा के दिन इंसानों की लाश खाकर बिता दिए तो ये 50 मील क्या चीज है। अब यहाँ पर दोस्तों एंटोनियो जाने को राजी नहीं होता तो वो लोग उसको वापिस भेज देते हैं और वो दोनों अपने आगे का सफर तय करते हैं। दोस्तों जैसे एक आग को जलाने के लिए चिलगारी ही काफी होती है, वैसे ही नंदो की ये उम्मीद एक दिन उसको जरूर उसके मंजिल तक पहुंचाएगी। अब 12 दिन तक ये चलते ही रहते हैं। इनके पास खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका होता है पर ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही रहते हैं। इसी तरह दोस्तों एक सुबह जब ये सोकर उठते हैं तो ये अपने सामने एक हरियाली को देख पाते हैं जो इन्हें रात में दिखाई नहीं दी थी। और दोस्तों इन्होंने आखिर वो करके दिखाया जो इन्होंने सोचा था। दोस्तों ये और किसी की नहीं बस नंदो की जिद होती है और शायद अब इसकी वजह से उन 16 लोगों की जान बच सकती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं सब लोगों को देख पाते हैं जो पूरी तरह से हताश होते हैं और तभी हम एक करिश्मा होता देखते हैं। आसमान में दो हेलीकॉप्टर आते हैं, इन्हीं एक हेलीकॉप्टर में नंदो होता है और अब दोस्तों आखिर नंदो ने वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। दोस्तों सभी लोगों की नंदो को देखकर कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों इसी बीच हम एक पहाड़ के ऊपर क्रॉस बना देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई होती है उन लोगों को वहाँ पर बचे हुए लोगों ने दफना दिया होता है। अंत में हमें बताया जाता है कि 29 लोगों ने अपनी जान खो दी और 16 लोगों की जान बच गई। इसी के साथ ये कहानी हमें यही अलविदा बोल जाती है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।